forget any carbonara that if you had in India, it was a fake. Amazing. Best soup cooking in MasterChef Judge Banjati. हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेटा से कार्बोनारा की हमारी ये जर्नी 1 आवर की थी, आई मीन नेपल से रोम तक का सफ़र ऑफ कोर्स। हालांकि ये वाली ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर हमने ट्रेन इटालिया ऐप से पहले ही बुकिंग कर रखी थी और हम ये पहुंच गए रोमा टर्मिनी पे और वहां से हम अपने होटल की तरफ चल दिए। हमारा होटल कोलोशियम के जस्ट पास में ही था और काफ़ी अच्छा एरिया है वो। यहाँ आप देखेंगे तो उस एरिया की एक वाइब है, जैसे हमारे मुंबई में कोलाबा साइड में एक ऐसी वाइब है ना कि वो पुरानी एंटिक सी बिल्डिंग्स। और रोम के बारे में तो आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। ये ऊपर जाके होटल का एंट्रेंस था और मैं टू माय सरप्राइज, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सिटी सेंटर के रूम काफ़ी कंजेस्टेड होते, यूरोप में वैसे ही बड़े रूम्स तो मिलते ही नहीं है इंडिया जैसे, पर टू माय सरप्राइज एज आई सेड ये रूम काफ़ी स्पेशियस था। बाथरूम में खड़े होने से काफ़ी ज़्यादा जगह थी, ये यूरोपियन होटल्स का एक रियल में सरप्राइज सा हो जाता है। एंड बाहर उन्होंने आप देखेंगे वार्डरोब्स वगैरह दिए हैं और शूज़ पहनने के लिए एक छोटा सा स्टूल रखा है उन्होंने, काफ़ी केयरफुली प्लांट लग रहा है। और इस होटल की सबसे खूबसूरत चीज़ थी उसके बाहर का एक मस्त व्यू, जो बिल्डिंग हमने नीचे से आपको दिखाई थी वो बिल्डिंग पूरी दिख रही है यहाँ से। और अब शायद लोग धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। इटली में इस वक्त हम जुलाई में गए थे और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, तो आफ्टरनून्स में सब लोग घर में रहते और इवनिंग में ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। क्यूट सा कैफे रोम की कोलोशियम के बिल्कुल पास, ये बहुत ही सुंदर सी रो है। पता है गाइज, दिस इज सैटरडे इवनिंग पूरे भरे सीजन में और हम पूरे रोम की गलियां ऐसे घूम रहे हैं और कोई भीड़ नहीं है। हम जब यहाँ से पहले क्रोएशिया वगैरह में थे और वहाँ भी भीड़ थी, तो हम हर बार यही सोचते रहते थे कि अरे यहाँ इतनी है तो कितनी होगी रोम में, बहुत भीड़ होने वाली है ऐसा वैसा। फिर दोपहर में जब हम आए, हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची 1:25 को आफ्टरनून में, हम आके अपने होटल की तरफ गए, वॉक करते हुए गए क्योंकि ट्रेन स्टेशन से भी पास में ही था, तो वहाँ तब भी कोई भीड़ नहीं थी। मतलब हम मेन सेंटर में थे, सारे अट्रैक्शन से गुजर रहे थे, फिर भी कोई भीड़ नहीं। और हमको लगा ठीक है धूप है, शाम को पूरा भीड़ हो जाएगा, लेकिन अभी भी यही चीज़ है कि भीड़ तो नहीं है। और हम एक बहुत काफ़ी अच्छा सा पास्ता खाने का स्पेशल प्लेस प्रथमेश ने कोई ढूंढा है, तो हम मैप को फॉलो करते करते उधर जा रहे हैं, वहाँ से टर्न लेना है, मैप देख रखा है, तो हम वहाँ का एक अच्छा सा फूड ट्राई करेंगे। इवनिंग है तो आराम से अपना पूरा सिटी को देखेंगे।
जा रहे हैं पास्ता के प्लेस में खाने के लिए, गूगल में उसे बहुत ही अच्छी रिव्यूज है एंड अपेरेंटली शेफ रीनो उनका नाम है जो ही क्लेम्स टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक कार्बोनारा शेफ इन रोम, और ये रिव्यूज़ में भी मैंने पढ़ा है, तो अभी देखेंगे कैसा है। आई थिंक हमारे इंडियन टेस्ट के लिए यूजुअली जो कार्बोनारा में जो चीज़ यूज़ होता है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ बिट आल्सो स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, बट वी आर एक्साइटेड टू ट्राई इट, तो देखेंगे कैसा होगा। लेट्स सी। उसने चुना है, और इस प्लेस के बाद मैं अपना फर्स्ट टाइम कॉलोशियम को देखने वाली हूँ। ये भी प्रतवेश ने प्लान किया इस इवनिंग का कि पहले द बेस्ट पास्ता और उसके बाद मैं देखूँगी फर्स्ट टाइम कॉलोशियम। ये देखिए रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं है, 7 बजे खुलेगा। अंदर कुछ टेबल्स है, काफ़ी है वैसे, लेकिन इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्लोज्ड में भी इन्होंने खड़े होने के लिए वो बना रखा है। तो शार्प 7 बजे वो हमें अंदर ले गए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उन्होंने कह दी एक दिलचस्प बात, आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। डिश खत्म हो गया प्रतवेश, आप तो कुछ बोलो। मैं शांत इसलिए हूँ कि अभी तक अपने साथ जो हुआ था धोखा हो रहा था कि वो कार्बोनारा नाम पे अपने को चिपका रहे थे इतने साल से, तो वो असली कार्बोनारा नहीं है, ये है, क्योंकि इसमें है पिकोरिनो चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, और वो है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। एंड देन इसमें एक मीट भी है जो डीप फ्राइड है, उसका टेस्ट मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और एंड देन हमारी सेकंड डिश भी है यहाँ से जिसको हमने अभी तक शुरू नहीं किया। अभी प्रतिभा के सामने है आई थिंक उसकी सबसे फेवरेट डिश, और ये डिश हम लोग ने टर्की में खाई थी और तब से ये इसकी फ़ैन हो गई है, और हमेशा मतलब आइसक्रीम में मिठाई में सब में तिरामिसु ढूंढती रहती है कहीं भी जाओ, तो नाक में दम कर दिया था मेरे, हर जगह जाओ तो डेजर्ट क्रिस्पी तिरामिसु ही चाहिए। हमने जेलेटो खाया था परसों विद तिरामिसु फ्लेवर, तो मैंने बोला यार इसको तिरामिसु आज खिला ही देता हूँ। तो अभी हो रही है जैसे आईफोन की अनबॉक्सिंग होती है ना, वैसे तिरामिसु की अनवीलिंग हो रही है। ये बेस्ट शेफ रोको कि मैं मास्टर शेफ जज बन जाती हूँ। या ओके, लुक्स में तो बहुत अच्छा है। 10/10 ऑन प्रेजेंटेशन। ओके, 10/10 ऑन प्रेजेंटेशन, बट टेस्ट इज द किंग। शायद ये मेंटली अलग यूनिवर्स में ट्रांसफर हो गई है अभी, अभी ये पैरेलल यूनिवर्स चली गई है, उसको पता भी नहीं कि वीडियो चल रहा है, उसको पता भी नहीं है कि और आई थिंक कुछ तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट है।
तो जैसे अपने इंडिया में खाने के बाद गुलाब जामुन चाहिए ही चाहिए, वैसे इटालियन खाने के बाद तिरामिसू। तो इसी बात पे हम वीडियो एंड करते हैं।